नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू ऑन यूट्यूब चैनल पर। आज की ये सक्सेस स्टोरी है सक्सेस स्टोरी नंबर 49। इससे पहले कि अगर 1 to 48 सक्सेस स्टोरी आपको देखनी है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सक्सेस स्टोरी मैक लर्न टू ऑन, आपके सामने सारी सक्सेस स्टोरी आ जाएगी। आज का वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि अनअकैडमी पे डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बनने के लिए आज का जो वीडियो है वो है शिवम कौशल जी का, जो बने हैं अनअकैडमी पे डाउट सॉल्विंग एजुकेटर। तो अगर आपको भी बनना है अनअकैडमी पे डाउट सॉल्विंग एजुकेटर, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई के 7 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई आएगा। रिप्लाई में मेल होगा, मेल के अंदर लिखा होगा आपको डेमो सबमिट करना है। जैसे ही आप डेमो सबमिट करेंगे, डेमो के 3 दिन के अंदर अंदर आपको कन्फर्मेशन का मेल आएगा या रिजेक्शन का मेल आएगा। तो आपको अगर कन्फर्मेशन का मेल आया तो आप सिलेक्ट हो गए, रिजेक्शन का मेल आया तो आप दूसरी बार डेमो दे सकते हैं। वापस 3 दिन के अंदर अंदर आपको वापस कन्फर्मेशन या रिजेक्शन का मेल आएगा। जैसे ही आपको कन्फर्मेशन का मेल आ गया, आपको 7 दिन के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फिर 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जूम ट्रेनिंग होगी, फिर आपको ऑन बोर्ड किया जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर, और फिर 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास अनअकैडमी का टी शर्ट आएगा। तो आपको कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाना है, अगर ये नहीं पता है तो वो जब जब भी मैं पॉइंट बोलूंगा तब नोटिफिकेशन आइकॉन पे वीडियोस आ जाएंगे जिससे आप पता लगा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास 2 कॉन्टेक्ट बनने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। एक तो है शिवम कौशल जी, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अनअकैडमी डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बने हैं, और दूसरा हूँ मैं। तो मुझसे या शिवम कौशल जी से आप डाउट पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप अभी डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बनने की प्रोसेस में हैं तो भी आप वो प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। चलिए स्टोरी की बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हेलो डियर जयवीर शाह सर, थैंक यू सो मच बिकॉज योर चैनल मैक लर्न टू अर्न, आई गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच आई बिकम डाउट सॉल्वर एजुकेटर इन अनअकैडमी टूडे। I watch all your videos made by you and I can help people. May I also suggest that join your channel and be a part of this race of learning and teaching. Whatever my experience has been, I share with you. तो ये अपना experience share कर रहे हैं। इनकी भी एक YouTube channel है, उसकी भी link मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर भी subscribe कीजिए ताकि आप इनसे भी direct contact कर पाएं। Okay, तो पहली process देखिए यहाँ पर क्या है। 10 दिसंबर को इन्होंने फॉर्म को सबमिट किया। फॉर्म था 6 से 12 के लिए। अभी मैं जब बोल रहा हूं कि ये फॉर्म कहां से मिलेगा आपको, तो ये फॉर्म के लिए आपके पास नोटिफिकेशन में एक वीडियो आएगा, वहां पर 6 टू 12 स्टैंडर्ड के लिए अगर आपको पढ़ाना है तो आप वहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो वीडियो देखने के बाद। ओके, अब दूसरी बात, अगर आपको 6 टू 12 में नहीं पढ़ाना है तो क्या करें, तो अब देखिए नोटिफिकेशन पे एक वीडियो आएगा, उसको देख लीजिए कि कैसे बनते हैं। एनीबॉडी कैन बिकम डाउट सॉल्विंग एजुकेटर, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिससे कोई भी पर्सन किसी भी कैटेगरी में डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बन सकता है। तो इसको भी देख लीजिएगा, मगर पहले ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद में देखिएगा ताकि आपके पास पूरी प्रोसेस क्लियर हो। ओके, सेकंड है क्रिएट डेमो वीडियो। देखिए 10 दिसंबर को इन्होंने फॉर्म सबमिट किया, मैंने कहा था 7 दिन के अंदर अंदर इनको कंफर्मेशन आएगा। इन्होंने 11 तारीख को ही 3 मिनट का डेमो वीडियो बना दिया, तो 1 दिन के अंदर अंदर कंफर्मेशन आ गया। अब अगर आपको भी डेमो वीडियो बनाना है, डेमो वीडियो होता क्या है ये नहीं पता है, तो वापस देखिए नोटिफिकेशन, वहां पर क्लियर कट आपको पता चलेगा कि डेमो वीडियो किस तरीके से बनाना है। अनअकैडमी पे अगर आप फर्स्ट टाइम एजुकेटर बनना चाहते हैं तो एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कैसे करना है और प्रोसेस कैसे करनी है, ये सारी चीजें डिटेल में दी गई है। अगर आप बन चुके हैं ऑलरेडी, एजुकेटर ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी पहली 10 मिनट निकाल दीजिए उस वीडियो की, बात की जो लास्ट की 2 मिनट्स है मैंने लिखा है कि मेरा भी डेमो वीडियो इसके अंदर है, वो डेमो वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि डेमो वीडियो कैसे बनाना है। फिर क्या लिखा है, बिकॉज द वीडियो वॉज मेड बाय ओनली यूजिंग पीपीटी। अब इन्होंने वीडियो कैसे बनाया था, पीपीटी के हिसाब से, तो क्या आया इनको रिजेक्शन। रिजेक्शन था कि अगेन सबमिट डेमो वीडियो, वापस डेमो वीडियो इनको सबमिट करना होता है। तो अगर आप पीपीटी से बना रहे हैं वीडियो, तो भी किस तरीके से पीपीटी को 16:9 के ओरिएंटेशन में रखना, अगर ये नहीं पता है तो वापस वीडियो देखिए नोटिफिकेशन में,
इसको देखने के बाद डेमो वीडियो बनाइएगा, आपका डेमो जल्दी से सक्सेस हो जाएगा। तो देखिए इनको 11 तारीख को डेमो वीडियो बनाने को बोला गया, 2 दिन के अंदर आंसर आ गया। मैंने तो कहा था कि 3 दिन के अंदर आता है, मगर 2 दिन के अंदर काम हो गया इनका। तो 13 दिसंबर को इनके पास फर्स्ट अप्रूवल और रिजेक्शन आ गया। वापस इन्होंने थोड़े दिन के बाद बनाया होगा, तो शायद उन्होंने 17 तारीख को 17 दिसंबर को वापस बनाया और 20 दिसंबर तक तो इनका डेमो भी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद में इनको रिप्लाई आया, रिप्लाई कब तक आता है, 7 दिन के अंदर अंदर सिलेक्ट होने के बाद, कि 21 तारीख को रिप्लाई आ गया कि रिप्लाई यू आर सिलेक्टेड एज डाउट सॉल्वर एजुकेटर। तो देखिए इनको रिप्लाई 3 दिन के अंदर अंदर आ गया, दूसरी बार जब डेमो दिया था तब। ओके, 20 तारीख को ही डेमो सबमिट किया और 21 तारीख को रिप्लाई आ गया, तो 1 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ गया। अब मीटिंग हुई 22 तारीख को, देखिए 22 तारीख को इनकी मीटिंग हुई, केवाईसी हुआ, टी शर्ट दिया गया, डैशबोर्ड ट्रेनिंग डन, ये सारी चीज हो गई 2 दिन के अंदर अंदर। इसको लगते हैं 30 दिन। 22 तारीख को इनका इसलिए हो गया होगा क्योंकि वो मेट्रो सिटी में रह रहे होंगे। अगर आप मेरे जैसे कोई रूरल एरिया में रह रहे हैं, मैं मांडवी कच्छ गुजरात से बिलोंग्स करता हूं, तो मेरे पास टी शर्ट आने में लग गए थे 30 डेज। तो 30 डेज लगे, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको भी 30 डेज लगते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्लेन ब्लैक टी शर्ट विथ राउंड नेक, अगर आप वो पहन के वीडियो सोल्व करेंगे, डाउट सोल्व करेंगे, तो इट इज वेरी वेल विद इन द गाइडलाइन ऑफ द अनअकैडमी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहां पर भी अगर आपके पास टी शर्ट नहीं आता है तो 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, मगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको राउंड नेक ब्लैक प्लेन टी शर्ट पहन के ही बैठना है डाउट सोल्व करने के लिए। कॉलर वाला मत लेना, प्लेन नेक वाला ही लेना है। ओके, 23rd December 2021 कंटिन्यू विथ एज अन अकेडमी एडुकेटर। तो देखिए 23rd December को इनको एडुकेटर बना दिया गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, माई नेम इज शिवम कौशल एंड आई एम फ्रॉम अमेठी उत्तर प्रदेश एंड आई एम नाउ बीटेक स्टूडेंट इन सिविल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर एंड हैव डन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इन्होंने डिप्लोमा भी सिविल इंजीनियरिंग में किया है और डिग्री भी अभी सिविल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, और वो भी सेकंड ईयर में, यानी पढ़ाते पढ़ाते ही ये एजुकेटर बन चुके हैं। वेरी गुड। बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट एंड सेंट्रल लेवल जेई एंड एई एग्जाम्स Also, I was very interested in teaching from 12th period, 12वीं से। तो डिप्लोमा से पहले इन्होंने 12वीं भी की है। देखिए 12वीं करके डिप्लोमा किया है, फिर डिग्री किया है, तो 12वीं से उनको ऐसा लग रहा था कि वो टीचिंग के लिए पढ़ाना चाहते हैं। Now I have created a YouTube channel named Suprabhat Exam. ये एग्जाम है, एग्जाम नहीं है, एग्जाम। Whose link is here? तो इनकी ये लिंक है, सुप्रभात एग्जाम करके ये चैनल है। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो उसकी भी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, मैंने थोड़ी देर में, यानी थोड़े दिनों में, मैं आपको 55 प्लेटफॉर्म्स जो मेरे चैनल पे है ना, उसकी सभी की डिटेल दे दूंगा आपको एक एक्सेल शीट में या पीडीएफ फाइल में। तो ये 55 प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं पढ़ा रहा हूँ, और वो भी आज की डेट तक, यानी कि 27 December 2021। अ लॉट मोर प्लेटफॉर्म्स आर गोइंग टू बी कम इन फ्यूचर इन माय चैनल, तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड ईच एंड एवरी अपडेट विल गिव यू न्यू हाइलाइट्स, न्यू नॉलेज हाउ टू बिकम ऑनलाइन एजुकेटर। और अगर आप बन चुके हैं तो फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट कर पाऊं जिससे आपकी अर्निंग बढ़ पाए। ओके, so my aim is to strengthen the basics of 6 to 12 students, because even today children of this category do not have the basic content now. So 6 to 12 ke liye padhana chahte hain aur bahut hi basic se padhana chahte hain. Hope the blessings continue with you and in life's journey. Surely sir, blessings puri family ke liye hai. Mac learn to earn jitne bhi log hain, sabhi log inko congratulate karo bhai, और प्लीज इनको सपोर्ट करो। ऐसे एजुकेटर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, तो भी रिवॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट योर थॉट प्रोसेस, जस्ट अप्रिशिएट ईच एंड एवरी पर्सन, दोज हु आर पुटिंग देयर सेल्फ टू टीच समवन, टू क्रिएट समवन। ओके, सो होप दिस, ओके, थैंक यू अगेन एंड अगेन सर। तो इतना इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड एफर्ट।
आपको मेरी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए साइन आउट।